फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन सेंटर। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ, मैंने पहले वीडियोस में एक्टिव और पैसिव पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसकी सेपरेट वीडियोस बनाई थी। जैसे 8 एक्टिव पैसिव थे तो 8 ही एक्टिव पैसिव पर वीडियोस बनाई थी, प्लस साथ में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाई थी। लेकिन आज आपको मिलेगा एक ही वीडियो में टोटल 8 एक्टिव पैसिव। मतलब जब आप एक्टिव पैसिव अच्छे से सीख जाओ मेरी उन वीडियो से और आपको रिवीजन करना है, तो आप एक ही वीडियो से सारे एक्टिव पैसिव को लर्न कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक्टिव पैसिव केवल 8 टाइप्स के बताऊंगी, जो टेंसेस के 8 टाइप्स होते हैं वो वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इंपेरेटिव के मैंने एक्टिव पैसिव बताए हैं और मॉडल्स के बताए हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जाके देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। पैसिव वॉइस के जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं। ठीक है, जरूर आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। आई होप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अब तक कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं? जो टेंसेस हमने पढ़े थे वो होते हैं एक्टिव, ठीक है, और जो पैसिव हमने पढ़े, जो अब हम पैसिव पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस यानी टेंस के अलावा भी एक बात को करने के लिए एक और तरह से वॉइस निकाली जाती है। मैं आपको भी बता रही हूँ इसको नाम वॉइस क्यों है। एक्टिव बेसिकली से बोलते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो आप पढ़ चुके हो, एक्टिव वॉइस आप पढ़ चुके हो, और वो क्या है? टेंस। और ये हो जाती है पैसिव वॉइस। क्यों उन्हें पैसिव वॉइस कहा जाता है? मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, रवि बिल्ड दिस हाउस इन 2003। आप सभी समझ जाओगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, रवि ने 2003 में यह घर बनवाया। सबने पढ़ चुके हो, बिल्कुल परफेक्ट हो गए। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, एक्टिव पैसिव लर्न करने से पहले आप टेंसेस जरूर लर्न करें। अगर आपने टेंसेस लर्न किया है तो आपको एक्टिव पैसिव लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पर विदाउट टेंसेस आप एक्टिव पैसिव को लर्न नहीं कर सकते। तो पहले टेंसेस, मेरी प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर टेंसेस, उसमें जाके आप टेंसेस लर्न जरूर कीजिए। ठीक है, अच्छा ये सब है, ये इसको बोलती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब नीचे देखिए सेंटेंस को मैंने किस तरीके से लिखा है। मैंने वहां पर आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है, फिर वर्ब आ जाती है, जैसी भी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और इसके बाद बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्ट कह लेते हैं, कभी कुछ लगा होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ सेंटेंसेस में, लेकिन ऐसा भी होता है। आप हिंदी में बोल के देखिए, रवि ने यह घर 2003 में बनवाया। मेरा फोकस किस पर है इसमें? मेरा फोकस है इसमें रवि पर, रवि ने, लेकिन मुझे रवि पर फोकस नहीं करना है, अब मुझे घर पर फोकस करना है। तो उसका भी तो कोई रूल होगा, और आप वो रूल फॉलो भी करते हो। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी, आप हिंदी में कैसे बोलोगे यह घर रवि के द्वारा बनवाया गया है, तो आप हिंदी में इजीली बोलते हो, आप रियलाइज भी नहीं करते कि आपने एक्टिव की जगह पैसिव वॉइस का यूज कर लिया है, क्योंकि हिंदी तो मदर टंग है ना, वो तो बचपन से हम सुनते आए हैं, सीखते आए हैं, तो कभी रूल्स पर जाते ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश तो हम सीख रहे हैं, तो हमें हर तरह के रूल के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब जब हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं, अब देखिए मेरी वॉइस कैसे आ रही है, इसमें मेरी वॉइस थी यह घर रवि ने बनवाया, और इसमें कैसे आ रही है, यह घर रवि के द्वारा बनवाया गया, ठीक है, यह घर, तो मेरा फोकस किस पर है? ऑब्जेक्ट पर, और रवि ने यह घर बनवाया, यहां पर मेरा फोकस किस पर है? सब्जेक्ट पर। तो इस बेसिस पे हमने वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमारे टेंसेस हो गए और पैसिव वॉइस आज हम लर्न करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ऐसा क्यों हुआ? जबरदस्ती कोई चीज नहीं है, जब हिंदी में हम हर तरह से बोल सकते हैं तो उसकी तो इंग्लिश भी होगी ना, और इंग्लिश हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है, यही बात हो गई। यानी यहां पर जहां सब्जेक्ट से स्टार्ट होता था, और यहां पर किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट से, यानी यहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ गई ऑब्जेक्ट की। अगर यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, चल सकता है, लेकिन टेंसेस में या एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट का मेन रोल है, और इधर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और एक और बात मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट
के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकते, ऑब्जेक्ट इसमें चाहिए। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है। तो हम क्या, और दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। This house was built in 2003 by Ravi. ये passive voice. अभी और आगे भी। तो यानी मैंने voice को दो तरीके से बोला, मैंने अपनी दो तरीके से voice निकाली, active voice है, passive voice. Active voice में focus किस पर किया था मैंने, subject पर, रवि ने ये घर बनवाया, रवि ने। और passive voice पे मैंने किस पर focus किया, object पर, ये है घर। मैं इसको importance दे रही हूँ, ये घर, घर ज्यादा important. ठीक है, अच्छा अब इसका सुनिए रूल कैसे हुआ। एक्टिव पैसिव कैसे होते थे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब होती थी तो वो भी मेन वर्ब से पहले आ जाती थी। ठीक है, मैं वन बाय वन पूरा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी कि कैसे। लेकिन पैसिव वॉइस में जैसा कि मैंने क्या बताया, यहाँ पर किससे हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी आती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में वहां पर टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती थी, ठीक है, नेगेटिव में ही आती थी ना, डू डस। लेकिन यहाँ पर सब में हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है, मेन वर्ब कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेगी। हेल्पिंग वर्ब लग रही है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो आप मान लीजिए वो पैसिव वॉइस ही है, एक्टिव नहीं है। हाँ, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे लेकिन परफेक्ट टेंस में भी तो ऐसी होता था मेन वर्ब, तो देखिए मैं वहां पर बताऊंगी। लेकिन परफेक्ट को कैसे आप अलग करोगे कि हाँ ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है, मैं वन बाय वन बताऊंगी। लेकिन इसमें इंडेफिनेट में भी हेल्पिंग वर्ब लगती है अफर्मेटिव में। और सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, इसके बाद बाय का यूज करके सब्जेक्ट लगा देते, क्योंकि हमारी वॉइस कैसे निकलती है, उसके द्वारा, और द्वारा मतलब बाय। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ एडवांस रूल भी बताए थे, जिसमें बाय के बाय को हम रिप्लेस कर देते हैं और कोई और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे नोन हुआ, प्रेफर हुआ, इन सब के साथ। ठीक है, तो वो भी आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। इधर मैं इतना नहीं बताऊंगी, इधर मैं आपको एट टाइप के टेंसेस बताऊंगी एक ही वीडियो में। और अगर आपको एडवांस लेवल पर जाना है तो मैं फिर बोल रही हूँ मेरे इंपेरेटिव मॉडल्स एंड एडवांस यूज ऑफ पैसिव वॉइस की मैंने अलग से प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, जरूर वो पढ़ के जाइएगा। और बेसिकली एडवांस रूल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी, रेलवे, किसी भी में बैठे हुआ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट जरूर आता है। और अगर आपसे पैसिव का कोई भी सेंटेंस आ गया ना और आप सारे वॉइस कर गए सपोजिट, लेकिन उसमें से अगर आ गया तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, एक और एग्जाम्पल कैसे, आई प्ले क्रिकेट, ये सबको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब ये आप कवर करिए और कैसे होगा इसमें क्रिकेट। अच्छा, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें इज आर लगती है, और ये भी आपको पता है सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एन। ठीक है, ये ज्यादा दी, अगर आपको ये सब नहीं पता मेरी टेंसेस की अच्छे से वीडियो देखिए, मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया है, यहां मैं हेल्पिंग वर्ब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्रिकेट इज थर्ड फॉर्म प्लेट, और मैंने क्या कहा था बाय का यूज करके, सब्जेक्ट बाय मी हो गया। अच्छा, इसमें मतलब क्या होता है, फोकस किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर, मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी व्हाट डज सब्जेक्ट डू। इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हो रहा है, इसमें क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट से ज्यादा सही। काम क्या हो रहा है, इसमें मेन काम क्या हो रहा है, व्हाट वर्क डन, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है मेरे द्वारा, तो ऑब्जेक्ट पर हमने इसमें फोकस किया। जो काम हो रहा है, जो हमारा वो ऑब्जेक्ट था, अब वो उसकी प्रायोरिटी यहां बढ़ जाएगी, इसने तो बहुत प्रायोरिटी ले ली अपनी, बहुत इंपॉर्टेंस ले ली पूरे टेंसेज में अभी तक। लेकिन अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा पूछेंगे, ज्यादा खातिरदारी किसकी होगी, अब ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के बिना तो हम घबरा जाएंगे, पैसे वॉइस ही नहीं होगा, और वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता था तो हम घबरा जाते थे, अरे कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छा अब ये कुछ मैंने आपको रूल बताए हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आपने एक और चीज नोटिस नहीं की है,
ठीक है, किसी स्टूडेंट ने नोटिस किया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह मी कहां से आ गया। बाय ऑब्जेक्ट का यूज करके आई आना चाहिए था। नहीं, अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठा रहे हैं, दोनों की सीट हमने इंटरचेंज कर दी, यही तो किया है, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो उसका लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो उसका लगेगा सब्जेक्टिव केस। अब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट तो नेम है गेम का, तो उसमें तो कोई केस की बात ही नहीं हुई है, मेनली प्रोनाउन में ऐसा चेंज होता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी समझ में आ जाएगा आगे। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस मैंने लिखे हैं, जैसे आई का मी, मैंने यहाँ पर मी कर दिया, मतलब आई सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की जगह लाई तो क्या हो गया, मी। वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी, हर, इट, दे का देम, ये आप जरूर ध्यान रखना। तो इस टाइप से आपके देर आर एट टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है, देर आर एट टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इंग्लिश ग्रामर टेंसेस। प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये एट कैसे रहेगा, टेंसेस तो हमारे 12 होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है, तो हमारे 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस हट गए, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, तो प्लस 4 पैसिव वॉइस हमारे हट गए। मतलब ये और भी इजी हो गया, वहां पर आपको 12 लर्न करने पड़े थे टाइप्स, यहाँ पर तो आपको 8 ही लर्न करने पड़े हैं, तो पैसिव वॉइस ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उतने ही जोश के साथ पढ़िए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये आपके हो गए। फर्स्ट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे, हिंदी में कैसे होता था, इसमें मैं यह काम करती हूँ, ता है, ते है, ती हूँ, तो जब पैसिव वॉइस में हमारी हिंदी में साउंड निकलेगी वो कैसे निकलेगी, किया जाता है, जाते हैं, जाती है, आती है, ठीक है, जाना और आना की वॉइस निकलती है, लेकिन इसमें गो का यूज मत कर देना। कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, और क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, खेला जाता है, उसमें क्या होती थी, ता हूं, खेलता हूं, खेला जाता है, या जाती है, या जाते हैं, सब में जाना की आवाज आती है, लेकिन ये गो एंड गॉन वाला जा नहीं होता, ये वॉइस वाला होता है, ये वॉइस का टाइप होता है, कि एक्टिव में तो हम ता है, ताहूं करके बोलते हैं, और उसमें जाता, सेम इसमें सारे टेंसेस में जो इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में ऐसे ही होगा, जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी आपको समझ आ जाता होगा, ठीक है। तो मैं हिंदी में भी आपको बताती हूँ, देखिए, अच्छा सबसे पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं, अफर्मेटिव मैं बताऊंगी नहीं सेंटेंसेस का, अफर्मेटिव नेगेटिव मैं टेंसेस में बहुत अच्छे से बार बार बता चुकी हूँ, अफर्मेटिव का भी आपको पता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो वहां पर हम सब्जेक्ट करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते थे, अगर उसमें एस या ईएस सिंगुलर होता था एस या ईएस करते थे, ऑब्जेक्ट करते थे। अब यहाँ पर मेन फोकस ऑफ पैसिव वॉइस पर करेंगे, इसमें मैंने कहा था सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, तो ये स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट से, प्लस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज आर एम, इसमें हमारी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, लेकिन इसमें हर किसी में पैसिव वॉइस विदाउट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इज आर एंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रख लीजिएगा, पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें देखने का झंझट ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फॉर्म आप बंद करके लगानी है, और बाय का यूज करके सब्जेक्ट। अब देखिए, राम क्लीन्स दिस रूम एवरी डे, इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना चुके हो, राम प्रतिदिन अपना कमरा साफ करता है, राम प्रतिदिन अपना कमरा साफ करता है, लास्ट में वॉइस आ गई ता है की। अब इसी की पैसिव में बताइए, पैसिव में कैसे बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें ऑब्जेक्ट है दिस रूम, दिस रूम बन गया ऑब्जेक्ट, इज, ठीक है, क्लीन एवरी डे बाय राम, हो गया कि नहीं, दिस रूम इज क्लीन एवरी डे बाय राम, आप चाहो तो एवरी डे इधर भी लगा सकते हो, दिस रूम इज क्लीन बाय राम एवरी डे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप हिंदी में बना के देखिए कैसी साउंड आ रही है, यह रूम
राम के द्वारा प्रतिदिन क्लीन किया जाता है, लेकिन इसमें कहीं भी गो एंड गॉन का यूज नहीं कर देना, ठीक है? जाता है, ये हमारी केवल वॉइस होती है, वॉइस का भी तो डिफरेंस होगा ना, ठीक है? लेकिन रूल्स का ऐसे रहेगा। चलिए एक और, ही राइट्स अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय, और ही का हिम, हिम कैसे हो गया? इधर तो नाउन था भाई, राम का राम रहा, नेम में कोई चेंज थोड़ी था होगा, राम का श्याम नहीं कर देंगे, लेकिन अब ही है और लेटर भी चलो नेम है एक, ठीक है, नाउन है तो उसमें भी चेंज, ये प्रोनाउन आ गया ही। और मैंने क्या बताया था, ही का क्या हो जाता है? हिम। अगर यह शी होता तो क्या होता? हर। दे का क्या होता है? देम। इट का इट ही रहता है, यू भी बहुत सीधा है, यू का भी यू ही रहता है, लेकिन आई का मी हो जाता है। तो वह एक पत्र लिखता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, फिर से वही सारी जाता है, ठीक है, ये होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पहचान लिखी है, आपको सब में ऐसी मिलेगी। एक और सेंटेंस देते हैं, आई गिव हिम अ पेन, मैं उसे एक पेन देती हूं। अब यहां पर मैंने सेंटेंस क्यों लिया है, यहां पर ये इन दोनों से डिफरेंस है, डिफरेंट सेंटेंस है, कैसे? आई गिव हिम अ पेन, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये है। अब हम कौन सा वाला ऑब्जेक्ट लेंगे? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जा सकते हो, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह नहीं है। मतलब कहने की बात क्या है, मेन पॉइंट ये है कि दोनों में से एक ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह ही रहेगा, ऑब्जेक्ट बना रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ठीक है? ये आपकी मर्जी, आप कौन सा चूज करो, लेकिन एक एडवाइस मैं आपको बोलना चाहूंगी, जहां भी आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाए पैसिव वॉइस में, हमेशा जो मेन वर्ब के पास वाला ऑब्जेक्ट है आप उसे ही चूज करो, कभी नहीं फंसोगे, कभी भी नहीं फंसोगे, यही सबसे सिंपल मेथड है। जो ये मेन वर्ब है ना, इसके पास वाला ऑब्जेक्ट कौन सा? हिम है, आप है, हिम, तो इसी को ही आप इधर ले जाओ और आप एन को उसकी जगह लगे रहने दो। देखो मैं बताती हूँ, अब हिम इधर जाएगा, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस हो जाता है। अब ही का हिम है तो हिम का भी ही हो जाएगा ना, ठीक है, ही। अब इसके बाद इज आ रहा है, सिंगुलर है, इज आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इज गिविन, ठीक है, बस ये हो गया, ही इज गिविन, यही मेन था। और मैंने क्या कहा था, बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि आप एन अपनी जगह रहेगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, दोनों को नहीं, एक अपनी जगह ही रहेगा, और इस लास्ट में क्या लग जाता है, सब्जेक्ट बाय मी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा था, सबसे इजी यही पड़ता है, आप इसको भी ले जा सकते हो। देखो मैं इसको अभी लिखती हूँ, मैं इसका आपको लिख के बताती हूँ। अगर हम कह रहे हैं, हमारा तो मन आप इनको ले जाने का है, हिम को हम इधर ही रख के रहने देंगे, क्योंकि इसमें तो हमें सब्जेक्टिव केस भी लगाना पड़ रहा है, तो इसका भी मैं बताती हूँ आपको। आप पेन, आप इसका ऐसे भी बना सकते हैं, आप पेन, देखिए इधर आप पेन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप पेन। इसके बाद आप बोलोगे इज आ जाएगा, गिविन आ जाएगा, अ पेन इज गिविन हिम, नहीं, फिर आपको प्रपोजिशन यूज करना पड़ेगा टू का, अगर आप ये वाला ले जाते, अ पेन इज गिविन टू हिम, ऐसे, और बाय मी तो ऐसे लगी जाएगा, अ पेन इज गिविन टू हिम। आप पेन को भी ले जा सकते हो, मैंने मना नहीं किया कि गलत हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, अ पेन। अगर आप बिगिनर्स हो, इसलिए मैंने आपको बोला, तो हमेशा मेन वर्ब के पास वाला जो ऑब्जेक्ट है उसी को आप सब्जेक्ट की जगह ले जाओ, अगर दो ऑब्जेक्ट दिए गए, ठीक है, तो क्योंकि किसी किसी में हमको टू का यूज करना पड़ता है, आप पेन इज गिवन टू हिम, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह रहता है उससे पहले हमें किसका यूज करना पड़ता है, टू का, अब पेन इज गिवन टू हिम। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, कॉम्पिटिशन में जनरली क्या होता है, आपको ऑप्शन हो सकता है ये भी दिया जाए ये भी दिया जाए, तो दोनों ही सही है, लेकिन वहां तो ऑप्शन होते हैं ना, आपको पूरा ट्रांसलेशन ही करना होता है, ठीक है, जिससे आप वहां पर ये भी पहन लो, ज्यादातर आप पेन इज गिवन टू हिम बाय, कोई दिक्कत। अब इंटरोगेटिव पे आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव में इंटरोगेटिव क्या होता था, डू या डस से स्टार्ट होता था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये मैं नहीं समझाऊंगी, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टेंसेस लर्न कर लिए होंगे, टेंसेस यही थे हमारे एक्टिव पैसिव, ठीक है। आप पैसिव वॉइस पर आ जाइए, जाहिर सी बात है इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही तो इंटरचेंज हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो वही की वही रहती है ना,
तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि यहाँ इजारेम होती है तो डूडस तो लगेगी नहीं, इजारेम ही लगेगी, ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट आता था, देखिए बस सब्जेक्ट की जगह क्या लग गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सब्जेक्ट, यही चेंज होता है। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, कोई भी हो, कोई भी सेंटेंस हो, डबल इंटरोगेटिव थर्ड फॉर्म माननी है, इसमें देखना ही नहीं है, प्लस बाय सब्जेक्ट। अब जैसे गिव का ही थर्ड फॉर्म गिविन हो गई, गिव गिव गिव, आपको थर्ड अगर फॉर्म लर्न करनी है तो मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, ठीक है, मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है वर्ब, उसमें मैंने आपको इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स बताई है, कौन सी रेगुलर इरेगुलर, बहुत अच्छे से आप क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है। आप जरूर मेरी वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वर्ब है उसमें फोर वीडियोस पड़ी हुई है, एक स्टेटिव वर्ब की, एक मिक्स्ड वर्ब की, जो भी कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं उसमें उसका यूज है, बहुत ही अच्छी है, कॉम्पिटिशन के लिए भी स्टेटिव वर्ब बहुत यूजफुल है, ठीक है, कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं स्टेटिव का, कहाँ पर हम नहीं कर सकते, कहाँ कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते। और प्लस साथ में रेगुलर इरेगुलर वर्ब, मतलब फॉर्म्स कैसे चेंज हम करते हैं बेस फॉर्म को, फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, जरूर आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू रीड अ नॉवल, क्या तुम एक नॉवल पढ़ते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या एक नॉवल तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ी अगेन फिर से आ गया जाती है, ठीक है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, जाती है, अब तो आपको समझ भी आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, इसके बाद यहाँ पर नॉवल रेड, रेड बाय यू, रीड सेम ही रहता है, प्रोनंसिएशन इज डिफरेंट, ओके, बाय और यू तो बेचारा सीधा साधा है, यू में कोई भी केस नहीं होता, दोनों ही केस में सेम रहता है। अगर हम क्वेश्चन डबल इंटरोगेटिव की बात करें वो भी हमें अच्छे से आता है, बस आगे क्या लग जाता है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन वर्ड लग के स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाई डू यू रीड अ नॉवल, तुम एक नॉवल क्यों पढ़ते हो, तो उसमें वाई का वाई है, फिर इसके बाद तुम्हारे द्वारा एक नॉवल क्यों पढ़ी जाती है, वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज अ नॉवल रेड बाय यू। एक और चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, एक न्यू चीज है, कभी कभी यहां पर देखिए, यहां पर प्लूरल का यूज हो रहा है क्योंकि यू के साथ हमेशा डू यूज होता है प्लूरल फॉर्म, ना कि डस, लेकिन यहाँ पर हमने आर यूज नहीं किया, इजी यूज किया, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, जबकि एक्टिव पैसिव में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते थे। वाई इज अ नॉवल रेड बाय यू, ये बात आप ध्यान रखिएगा, वाई आर मत लगा देना क्योंकि यहाँ प्लूरल वाला लग रहा है डू, तो यहाँ भी लगा दो, ये बात आपको ध्यान। तो चलिए ये मैंने थ्री सेंटेंसेस अब लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अभी एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस बनाने, ये थ्री सेंटेंसेस आप अभी की अभी नोट कीजिए तुरंत 2 मिनट्स में और खुद बनाइए, देन मैं यहाँ बता रही हूँ अभी और फिर चेक कीजिए। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस साथ के साथ करोगे तभी आपका फायदा है। पैसिव वॉइस के ऊपर मैंने अलग से प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी डाली है, बिल्कुल अलग वीडियो डाली है, इंडेफिनिट तीनों इंडेफिनिट की एक डाली है, परफेक्ट तीनों परफेक्ट की, और कंटिन्यूअस दोनों कंटिन्यूअस की, जरूर जरूर वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करिएगा अगर आपको पूरे आपने सीख लिए हैं, ठीक है। मैं फिर बता दूं आपको, कोई एडवांटेज नहीं है, इससे ही आपका टेस्ट होगा और पता चलेगा, खुद ही अपने टीचर बनिए, चेक करिए, खुद ही स्टूडेंट बनिए। ही गिव्स द फूड टू बेगर, अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, मैंने आपको बताया था सिंपल सा है, जो मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट उसी को आप यूज कर ले, बनाने में कोई झंझट नहीं रहेगा, तो ठीक है हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, द फूड, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, सब लोगों ने यही करा है, फिर फूड के साथ इज लगाऊंगा, आर इज लगाऊंगी, सिंगुलर है इज गिवन, अच्छा अब ये वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज, इसके बाद टू लग रहे हैं टू लगा देंगे, कुछ और लगा तो हमें क्या मतलब, हमने तो जो मेन पार्ट था उसका बना लिया, हमें तो उससे मतलब है। अ फूड इज गिवन टू बेगर, और ही का क्या हो जाएगा वहां पर, बाय हो गया सिंपल। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे मैम हमने तो बेगर से बनाया है, तो कैसे करोगे, बेगर, बेगर इज गिविन द फूड, ठीक है, बेगर, यहाँ बेगर इज गिविन द फूड बाय हिम, यहां से टू आपका हट जाएगा,
बैगर इज गिविंग द फूड, गिविंग टू फूड नहीं, क्योंकि आप किसी को दे नहीं रहे, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे बोला था यहाँ पर कभी हटता है कभी लगता है, इसलिए आपको बोला था आप अगर मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के पास जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे, उसमें आपको कुछ भी ना रिमूव करना पड़ेगा ना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप हमेशा वही यूज कीजिए, फिर बाद में तो आप सीखते सीखते अपने आप ही कर लोगे। सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, एक मधुर गीत सीता के द्वारा नहीं गाया जाता है। अच्छा अब ये नेगेटिव आ गया, मैं आपको यह नेगेटिव का बताना भूल गई जो मैं आपको अभी बताती हूँ। कुछ भी नहीं होता यहाँ नेगेटिव में, क्या हो जाता था डू या डस और इसके बाद नॉट आ जाता था, और ये आप जानती हो कब, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। यानी दिस रूम क्या होगा, राम क्या आ जाएगा, डज नॉट क्लीन दिस रूम, तो दिस रूम इज नॉट, वही नेगेटिव की बात करना भूल गए, उसकी भी गलत है। दिस रूम इज नॉट क्लीन एवरी डे बाय राम, सिंपल था इसलिए मैंने नहीं बताया था, फिर भी बता दूं आपको। अब ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर क्योंकि वहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, ठीक है। He does not write a letter. A letter is not written by him. अब आपको दो ऑब्जेक्ट में हो गया और नेगेटिव, तो भी कोई बात नहीं, हमें तो एक से मतलब रखना है। आई डू नॉट सपोज इसमें लग रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, ही इज डोंट, हमें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना चाहे हम कोई से भी ऑब्जेक्ट उठाए, बस। अच्छा आप ये बना लो, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, ठीक है, तो कुछ नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग, ये हो गया आ स्वीट सॉन्ग। फिर इसके बाद इज लगेगा, सिंगुलर है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंग सैंग संग, अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय इज नॉट, सॉरी इज नॉट, नेगेटिव है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, अगर नहीं होता तो सिंपल इज संग बाय सीता, इज नॉट संग बाय सीता। देखते जाइए कितने लोगों के सही है, किसी को समझ नहीं आ रहा अभी मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाला सेंटेंस हमें समझ नहीं आ रहा, इसका स्ट्रक्चर दोबारा बताओ, मैं अभी बताऊंगी। डू यू ईट एन एप्पल डेली, क्या तुम एक एप्पल डेली खाते हो, क्या तुम्हारे द्वारा डेली एक एप्पल खाया जाता है, ठीक है। तो डू की जगह यहाँ पर सिंगल इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। अब इसमें तो देखिए प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लग रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एन एप्पल लेना है, तो एन एप्पल के साथ क्या लगेगी, पहले आप लिख लिया दीजिए एन एप्पल, इसके साथ इज ए आर एम एम आर लगा दू क्योंकि यहाँ डू लग रही है, नहीं इज क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट से मतलब है ना, यहाँ सब्जेक्ट का रोल नहीं है इतना, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चलाते थे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो इज एन एप्पल ईटन, बाय यू सीधा साधा है चेंज नहीं हुआ, इज एन एप्पल ईटन बाय यू, बताइए यहां से कोई दिक्कत, ये आपके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नाउ पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में हम एक्टिव में कैसे करते थे, उसने यह काम किया, या मैं इस घर में रहता था, मैं यह काम करता था, तो इसमें वॉइस कैसे चेंज हो जाएगी पैसिव में होते समय, मेरे द्वारा ये काम किया जाता था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, जाता है हु लगता था, या जाता था, जाते थे, जाती थी, इस टाइप से लगता था। और जहां पर सिर्फ ई आ ऐसे होता था, जैसे मैंने उसे एक पेन दिया, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, मेरे द्वारा एक पेन दिया गया, इसमें भी गो वाला लग जाएगा, पर गो एंड गोन वाला नहीं, गया वॉइस जो है, ठीक है, जाता था आती थी या फिर गया ये काम, जैसे उसने मुझसे एक पेन लिया, तो मेरे द्वारा एक पेन लिया गया, समझ रहे हो ना, जाना वाली वॉइस इसमें निकलती है। तो चलिए
वेस्ट नहीं करते, टाइम स्टार्ट करते हैं इसके अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव में इसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता था। पैसिव वॉइस में कोई झंझट नहीं है, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट था तो क्या लगाई थी हमने, इज आर एम, और पास्ट है तो हम वाज वर लगा देंगे, वाज वर थर्ड फॉर्म और बाय का सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से करिएगा इसमें, इसी के बेस पर अब देखिए सब आपको आते जाएंगे। He gave me a book. उसने मुझे एक किताब दी। अब फिर से इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। मैंने आपको बोला था जो मेन के पास होता है, मेन वर्ब के पास, उसको आप चूज कीजिए। इसमें आपको बिल्कुल सबसे इजी मेथड यही है। ठीक है, तो चलिए पहले इससे देखते हैं। मी को ले जाइए सब्जेक्ट की जगह, तो मी तो रहेगा नहीं जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जा रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी का, आई, आई। अब इसके बाद जहां इजारम लगता था वहां पर बस वॉज या वर लग जाएगा, तो आई के साथ क्या यूज होता है, वॉज, वॉज। इसके बाद थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है, इसके बाद एज इट इज, सेकंड ऑब्जेक्ट को नहीं ले जा देते, जहां पर है वहां पर ही रहता है, और लास्ट में बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। देखिए इसमें सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्टिव केस और इसमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस, दोनों में ही चेंज हुआ है, दोनों ही प्रोनाउन में। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट कहेंगे हमारा बुक आ बुक से है, हमारा जो मन है वो आ बुक से बनाने का, बना लीजिए मन है, तो इसमें भी मैं लिख देती हूँ, आ बुक वॉज गिविन टू, इसमें ऐड हो जाएगा, अ बुक वॉज गिविन टू मी, और बाय हिम ऐसी की ऐसी, बाय हिम। ठीक है, अब आप इसमें टू कैसे, इसका भी रूल होता है, ठीक है, टू ऐड हो जाएगा इसमें प्रपोजिशन, मी से पहले टू एड ऐसे हो जाता है, या टू यू, कुछ भी जब देने की बात होती है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको सबसे इजी और बेस्ट मेथड बताया है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, मेरे एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, वॉइस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, सिंपल हो गया। अच्छा, अब इंटरोगेटिव पर आ जाइए। इंटरोगेटिव पर कैसे आएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी वॉज या वर लगेगी, तो वॉज या वर। अच्छा, यहां मैंने ये मिस्टेक कर दी है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये किससे स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव है ना, सिंगल इंटरोगेटिव वॉज वर, और इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ये मिस्टेक हो गई थी लिखने में, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पाई, आप लोग कभी मत करिएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे, मैंने तो कर ली, गलती से हुई है, आप जान बूझ कर दोगे पता ही नहीं होगा, ध्यान से पढ़िए। वॉज या वर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में ही है। देखिए यहाँ इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, पहले तो वहां भी यूज होगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वो आपको याद रखनी है। डिड आई राइट अ लेटर, तो अब यह वॉज अ लेटर रिटन बाय मी, हो गया। अब डबल, डबल में कुछ नहीं होता भाई, देखिए बस क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, और इसमें भी देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड लगेगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड, वॉज या वर, ऑब्जेक्ट देखिए बिल्कुल सेम है, यानी देख लेते चलिए इसका भी एग्जाम्पल। वेन डिड आई राइट अ लेटर, मैंने लेटर कब लिखा, मेरे द्वारा लेटर कब लिखा गया, तो वेन का वेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड बिल्कुल सिंगल इंटरोगेटिव का रूल है, वॉज है ना, आप देख लेना, देखिए यहां पर अगर प्लूरल हो तो वर लगेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वाज अ लेटर रिटन बाय मी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फर्स्ट टेंस फर्स्ट उसमें टाइम लगता है, फिर तो सब ऐसे ही चलते जाते हैं। अभी देखिए आई गेव हिम द फूड, ये थ्री सेंटेंसेस मैंने इसके भी दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से प्रैक्टिस कर रही है, फटाफट से बनाइए, नोटबुक में नोट कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, आपका ही लॉस है, टीचर भी आपको खुद ही बनना है, मिस्टेक है, दोबारा देखिए मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी, ये आपकी रिवीजन की एक वीडियो है, एक ही में आपको सारे पैसिव वॉइस मिल रहे हैं आपको उस पर, और जो मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाई है, जैसे सिर्फ आपको एक दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है, ठीक है, आप बिगिनर्स हो, एक दिन में एक ही सीखना चाहते हो, तो आप एक ही वीडियो मेरी देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मैं हर की ना अलग प्लेलिस्ट बनाती जाती हूँ, जिससे आपको परेशानी ना हो, क्या आप मेरे चैनल पर जाइए ज्योति एजुकेशनल सेंटर, ठीक है, आप मेरे चैनल पर गए, वहां पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, जैसे
कुछ कॉमन वीडियोस होती हैं, सीबीएसई से रिलेटेड भी मैंने डाली, अदर वीडियोस का लेती है, ठीक है, टेंसेस की बनाई, एक्टिव पैसिव की बनाई है, वर्ब की बनाई है, मैं जीके के भी आजकल ले रही हूँ, लूसेंट के ऊपर बना रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं हर की प्लेलिस्ट बना रही हूँ, जिससे जिस स्टूडेंट को जो पढ़ना है ना केवल प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, सारी वीडियोस में देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं प्लेलिस्ट बना के चल रही हूँ। चलिए, आई गेव हिम द फूड। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, अब ये वाला ले लीजिए, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, ऐसी कराए ना सबने, वॉज गिविन द फूड टू मी। Did my brother sell a horse yesterday? अच्छा, did है, यानी सिंगल इंटरोगेटिव हो गया, तो यहां पर क्या लगेगा, was। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, horse। Was a horse, ठीक है, sell लगाओ, थर्ड फॉर्म क्या होगी सेल की, sold। Was a horse sold, इसके बाद by my brother। माई ब्रदर क्या है, या पूरा सब्जेक्ट है, माई ब्रदर पूरा सब्जेक्ट है, मेरा भाई, ठीक है, पूरा लेना है, यस्टरडे। वॉज अ हॉर्स सोल्ड बाय माई ब्रदर यस्टरडे। वी रेन अ रेस, हमने दौड़ लगाई, एक दौड़ हमारे द्वारा लगाई गई, फिर से गई आ गया, तो अ रेस ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज रन Rained run, again run. The race was run by us. बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर खत्म होता है आपका past indefinite. Third passive voice, future indefinite passive voice. देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें वैसे तो will का use होता है, future के नाम आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी voice कैसे निकलेगी, जाएगा जाएगी, जैसे मैं कल यह काम करूंगी, मेरे द्वारा यह काम कल किया जाएगा, मैं एक पत्र लिखूंगी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा, तो जाएगा जाएगी जाएंगे, इस टाइप से होता है, सब में जाएगा जाना की आवाज आती है पैसिव वॉइस में, एक्टिव में नहीं आती, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव से बात करते हैं, पहले अफर्मेटिव देखते हैं, तो उसमें एक्टिव पैसिव होता है, सब्जेक्ट लगाते थे, विल लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सबसे सिंपल टेंस होता था, क्योंकि इसमें ना तो हमें इजारा देखना पड़ता था सिंगुलर प्लूरल, और ना ही हमें इसमें वर्ब देखनी पड़ती थी, सब में फर्स्ट फॉर्म यूज होता था बिल का यूज करके, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या इसका पैसिव वॉइस भी उतना ही इजी है, उसका पैसिव वॉइस थोड़ा सा ट्रिकी है, पता है क्यों, क्योंकि इसमें दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना पैसिव वॉइस के लिए, ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं सब्जेक्ट की जगह, अभी आप पता चल गया होगा, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, विल बी, दो पार्ट में, फिर थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट, इजी है, लेकिन कभी नेगेटिव और इंटरोगेटिव आएगा ना, उस पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं होगा, आप लोग तो टेंस पढ़ के आ रहे हो, टेंस में तो दो दो हेल्पिंग वर्ब वाले यूज किए हैं ना आपने, सब्जेक्ट के बाद लगती थी आदि पहले, सेम इसमें ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा, इनफैक्ट आपने तीन हेल्पिंग, तीन पार्ट की हेल्पिंग वर्ब भी यूज किए, विल हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, डोंट वरी। फिर भी कुछ स्टूडेंट भूल गए होंगे, डायरेक्ट बैठ गए होंगे, बताना तो पड़ेगा, बताऊंगी, डोंट वरी। अच्छा, ही विल किल अ बर्ड, वह एक चिड़िया मारेगा, उसके द्वारा एक चिड़िया मारी जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अ वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड अफर्मेटिव में तो सिंपल है, विल बी लगा दी, कितने भी पढ़ दो हमें क्या मतलब, हमें तो जितनी मिलेगी उतनी लगा देंगे, विल बी किल्ड बाय हिम, हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट देखो, वी विल कॉल दैट बॉय हियर टुमारो, हम उस लड़के को यहाँ कल बुलाएंगे, बना दे, सबसे पहला ऑब्जेक्ट देखो डेट बॉय, ये मत देख लेना या टुमारो, ये तो एडजेक्टिव वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, मैं आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी ना, उसमें सब बताऊंगी, तो डेट बॉय, फिर इसके बाद विल बी, हो गई कॉल्ड हेयर बाय अस टुमारो, कॉल्ड बाय अस हेयर टुमारो, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है, आपको अपने आप ही करते करते समझ आती जाएगी, सेंस सबसे ज्यादा किसका है, ठीक हर तरह से, रॉन्ग आपका कोई नहीं करेगा अगर आप पहले बायस लगा दोगे, तो डेड बॉय विल बी कॉल्ड हियर बायस टुमारो, हो गया। अब इंटरो, अच्छा नेगेटिव बताना इसमें जरूरी है भाई, उसमें तो वॉज नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, लेकिन इसमें दो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब के,
तो बताइए टेंसेस में क्या लगता था? फ्यूचर कंटिन्यूअस में होते थे दो पार्ट, उसमें विल और बी के नॉट में लगाते थे ना, बी के बीच में, मतलब दो पार्ट में जब भी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वो अलग हो जाती है, बिछड़ जाती है, उनके बीच में जाके बैठ जाता है नॉट। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, अ वर्ड इसके बीच में आ जाएगा, विल नॉट बी, अगर मैं यहाँ नॉट लगा दू, ठीक है, वी विल नॉट, मैं यहाँ नॉट लगा दू, इसमें तो सिंपल है, डेट बॉय विल नॉट बी, ऐसा मत कर देना विल बी नॉट, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप टेंसेस में अच्छे से कर चुके हो, बहुत हैज बीन हैव बीन इतने तरह के आप पढ़ चुके हो, दो पार्ट की हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है, तीन तीन वाले इसमें भी पढ़ोगे, समझ आ गया। अब इंटरोगेटिव पे आ जाते हैं, विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो उसमें विल ऑब्जेक्ट दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, जब दो पार्ट में आपने टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी तो क्या पढ़ते थे, विल सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड पार्ट बी, तो इसमें भी जो काम वहां पर सब्जेक्ट लेके करता था यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है, वही काम यहाँ पर ऑब्जेक्ट करेगा, तो विल ऑब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट, तो विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। अच्छा अब ये हो गया, अब ये दो एग्जाम्पल आप अभी लिखिए और सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि 5 से 10 मिनट्स में आप लोग कर लेंगे। विल ही गिव यू सम पेन, अब इसमें दो है, यू और सम पेन्स, तो यू वाला हम लेते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट विल यू, इसके बाद सेकंड पार्ट बचा हुआ, ठीक है, बिल्कुल सेम है, विल यू वी गिव इन सम पेन्स बाय, बहुत से स्टूडेंट सम पेन्स लेना चाहते हैं, इसका भी बताते हैं बिल, बिल के बाद ऑब्जेक्ट सम पेन्स, बी गिविन, गिविन गिविन के बाद मैंने क्या बोला था, क्या ले जाता है यहां टू यू बाय, ठीक है सिंपल, दीस बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे, ठीक है अब इसका बना लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या बनेगा इसका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो, आ फुटबॉल मैच पूरा है, एक फुटबॉल मैच, तो क्या बनेगा, आ फुटबॉल मैच, क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, विल बी प्लेड, थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना है चाहे कोई भी हो टेंस, विल बी प्लेड इसके बाद बाय दीज बॉयज, ये पूरा सब्जेक्ट है, अभी मैं हटके आपको दिखाऊंगी, भी हटती हूं, ऑन मंडे, अ फुटबॉल मैच विल बी प्लेड बाय दीज बॉयज ऑन मंडे, यहां तक कोई दिक्कत, तो अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप सोच रहे भी डबल इंटरोगेटिव रह गए, डबल इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, इधर क्या है एक क्वेश्चन वर्ड लग जाता है और इधर भी क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। अब जैसे दीज बॉयज विल प्ले अ फुटबॉल मैच ऑन मंडे, अब कैसे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, विल ही राइट अ लेटर, अच्छा अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखिए ये डबल इंटरोगेटिव की मैं बात कर रही हूँ, डबल बाय विल ही राइट अ लेटर, ठीक है तो बाय विल ही राइट अ लेटर, बाय विल अ लेटर, बस यही तो लग जा रहा है और कुछ भी नहीं है, देखिए बी, अब देखिए पूरा हो गया रिटन बाय हिम, देखिए बस ये हटा दीजिए, बिना लेटर भी रिटन बाय हिम, डबल में कुछ भी नहीं है, आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाना है आपका, सब हो गया आपका, अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव में बीच में लगेगी, ठीक है अगर आपको अभी इसमें भी नेगेटिव हो गया तो भी कोई बात नहीं है, विल अ लेटर, हम तो विल अ लेटर और नॉट बी, वहां पर सब्जेक्ट के बाद लगता था एक्टिव वॉइस में हमेशा नेगेटिव अगर हो जाता था इंटरोगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद लगता था, ठीक है तो इधर भी कहा लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि वहां जो काम सब्जेक्ट करता था वो आगे आके यहाँ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, इसमें क्या पहचान होती है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती थी, मैं यह काम कर रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो इसमें क्या होगी, ठीक है, मैं यह काम कर रही हूँ, मेरे द्वारा यह काम किया जा रहा है, यानी जा रहे हैं, जा रहा है, जा रही हूँ, जा तो लगना ही है, ठीक है, इसकी वॉइस ही जाना होती है, ठीक है। अब देखते हैं अफर्मेटिव में, देखते हैं एक्टिव में, सब्जेक्ट इज आर एम एम आई एन जी और ऑब्जेक्ट, उसमें आई एन जी जरूर पहचान होती है इसमें, लेकिन नहीं होगा, मैं बताती बताया है मैंने जैसा कि आपको, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, इसमें आप सब भूल जाइए पैसिव वॉइस में, ठीक है। अच्छा, और इज आर एम कब लगता है ये भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, तो इसमें बस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, इज एम आर आप देख लेना क्या लगता है, और इसमें दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, इज बींग, आर बींग, एम बींग, ठीक है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती थी, और थर्ड फॉर्म बाय का यूज करके सब्जेक्ट। देखिए कुछ भी नहीं है, एक आपने कर लिया आपको सब समझ आ रहा होगा, शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, आ बुक सिंगुलर है तो इज बींग, प्लूरल होता तो आर बींग और आई के साथ एम बींग, ठीक है, बींग चलेगा साथ में, यही पहचान होती है इसमें, ये कंटिन्यू, उधर कंटिन्यू का मतलब टेंसेस में होता था कंटिन्यू ना आई एन जी, वो उसकी धड़कन होती थी आई एन जी, लेकिन यहाँ पर बींग बींग बींग, क्योंकि बी में हमने लगा दिया आई एन जी ने पीछा तो नहीं छोड़ा है, उधर मेन वर्ब में लगता था लेकिन इधर अलग से हमने फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर लिया है, ठीक है। रेड बाय हर, दे आर क्लीनिंग द रूम, वे कमरा साफ कर रहे हैं, कमरा उनके द्वारा साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। इसमें नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं, नेगेटिव कहां लगता है, दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, उन दोनों के बीच में, यानी दोनों पार्ट आपस में अलग हो जाएंगे, इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, कैसे, यहां पर एक मैं, अच्छा यहां पर मैं इसका ये वाला लगा के देखती हूँ, मैं इसको नेगेटिव बनाती हूँ तो क्या बनेगा ये डायरेक्ट, द रूम इज नॉट बीइंग, ऐसे बन जाएगा, और बाकी सेंटेंसेस पूरा ऐसे आ जाएगा, क्लीन बाय देम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इंटरोगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था सब्जेक्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, तो दो पार्ट में जब टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती थी तो फर्स्ट पार्ट से तो स्टार्ट हो जाता था इंटरोगेटिव में, और फिर सब्जेक्ट आता था और सेकंड पार्ट उसके बाद लगता था, सेम इसमें, इसमें बस सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड पार्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय का यूज करके सब्जेक्ट, ये होता है। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जा रहा है, तो कैसे, अच्छा अब आप देखिए इधर तो आर लग रहा है तो इधर इस कैसे लग गया, क्योंकि मैंने कहा था इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है यू, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे तो वो सिंगुलर होगा, तो इज आर लेटर, ठीक है, आर आर लेटर गलत हो जाएगा, ऐसे सेम फॉलो मत कर देना, एक बार हर में, हर पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी सेंटेंस हो जरूर चेक कर लेना क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब ठीक बैठ रही है, इज अ लेटर, अब बी, ठीक है, वहां सब्जेक्ट के बाद इधर हर काम का क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद इधर मेन वर्ब बाय का यूज करके यू, सिंपल, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, सिंपल। अच्छा डबल में बस ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड देखिए बिल्कुल सेम है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, बाय इज ही किलिंग अ वर्ल्ड, तो बाय, ठीक है, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ वर्ल्ड, आ वर्ल्ड के साथ सिंगुलर का सिंगुलर ही रहेगा, इज अ वर्ल्ड, फिर इसके बाद बीइंग किल्ड बाय हिम, बस ये हटा दीजिए, बिल्कुल सिंगुलर इंटरोगेटिव। अच्छा अगर अगर इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव होता, ठीक है, तो क्या करते हैं, इज एम आर कहां लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद, तो इधर भी कहां लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट के बाद, इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय यू, हो गया, ये हो गया। अच्छा अच्छा अब मैं इसी में ही आपको ना चेंज करके बता देती हूँ,
इसी में ही हम प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देते हैं। बहुत इजी ट्रिक से बता रही हूँ, अलग से आप बिल्कुल मत सीखिए। यहाँ पर मैंने ये हटा के क्या कर दिया है, पास्ट, और यहाँ पर थाती थे पीछे लग जाएगा, कर रहे थे, कर रहा था, किया जा रहा था, किया जा रहे थे, खाया जा रहा था, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। यहां पर क्या हो जाता था, वॉज वर्ब, सबको पता है पास्ट की वॉज वर्ब बी, और यहां भी वॉज एंड वर्ब। देखिए मैं बहुत सिंपल ट्रिक बता रही हूं आपको, एक सीखा दूसरा आ गया। शी वॉज, मैंने यहां पर क्या कर दिया, शी वॉज रीडिंग अ बुक, अ बुक वॉज, बस प्लूलर के साथ वर और सिंगुलर के साथ वॉज, अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हर। दे आर क्लीनिंग द रूम, दे आर क्लीनिंग द रूम, तो द रूम वॉज, या प्लूरल है क्योंकि यह दे के साथ यूज हुआ है, या सिंगुलर है तो यहाँ वॉज यूज होगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर वर, दे वर, दे वर क्लीनिंग द रूम, द रूम वॉज बीइंग क्लीन बाय देम। नेगेटिव में भी द रूम, दे वर नॉट क्लीनिंग द रूम, तो द रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय देम, हो गया। अब इंटरोगेटिव में भी ये देखिए बन गया ना आपका प्रेजेंट से ही पास्ट, वॉज वर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वॉज वर, यहां पर लिख दीजिए, डबल में भी सेम हो जाएगा, कुछ भी नहीं है पास्ट में, वॉज वर। वाई वॉज ही क्लीनिंग द वर्ल्ड, अब यहां भी वॉज या वर, वाई वॉज अ वर्ल्ड, देखिए बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा और पास्ट कंटिन्यूअस अपने आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों ना अब ये फोर सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करें, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, और 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट्स के बीच मुझे फटाफट करिए, मैं इधर बता रही हूँ लेकिन आप पहले देखेंगे नहीं वरना कोई फायदा नहीं है। विच नॉवल आर यू रीडिंग, अब देखो विच वाले में मैंने बताया था, डब्ल्यू एच फैमिली में पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सब एक संग लगता है, तो ये ऐसा का ऐसा ही आएगा जो उसके साथ वर्ड होगा, नाउन जो होगा। विच नॉवल, इसके बाद हम कुछ देखते हैं, विच नॉवल, ठीक है। आप मेरी टेंसेस की वीडियो में जाओगे ना, वहां पर मैंने अलग से बताया है, एक्सेप्शंस का टॉपिक है, पार्ट टू पार्ट में एक टेंस बनाया है मैंने, तो सेकंड पार्ट में एक्सेप्शन मैंने दिया है, डब्ल्यू एच फैमिली, कुछ एक्सेप्शन डब्ल्यू एच फैमिली के, हु, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हूज, हूम, इस टाइप के, जरूर देखिए वो मेरा, ये विच के साथ नॉवल कैसे आ गया। विच नॉवल आर यू रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कौन सी नॉवल पढ़ रहे हो, तो कौन सी नॉवल तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो विच नॉवल, अब यहां तो विच नॉवल आर यू रीडिंग, लेकिन विच नॉवल इज बीइंग रेड बाय यू, क्योंकि हम नॉवल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, अभी ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, मैं इसका बता देती हूँ रीजन, इसमें विच वाला जो है इसके साथ ही ये ले लेता है ना, तो इसी को हम मान के चलते हैं। वैसे ये रेयर आते हैं लेकिन फिर भी मैंने इसका भी आपको पैसिव वॉइस बता दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, कौन सी पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें क्या हो गया आपका एस ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, विच नॉवल में ही आपका लग गया, विच नॉवल आर यू रीडिंग, विच नॉवल इज, अब नॉवल के अकॉर्डिंग लगेगा ये, विच नॉवल इज, क्योंकि जो विच वाले होते हैं वो अपने साथ ही लिख लेते हैं नाउन को, जो भी ऑब्जेक्ट उसको, ठीक है, तो हम इसको ही ऑब्जेक्ट अब मान लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन केस होते हैं। Which novel is being read by you? ठीक है, ऐसे मत लगाना which is novel, ये गलत हो जाएगा।
ये एक साथ ही रहता है, अपने साथ एक वर्ड जरूर लेता है। तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी इसके, क्योंकि इसने एक ऑलरेडी वर्ड ले लिया, इसके बेस पर ही हमने बना दिया। ठीक है, वर यू कुकिंग द फूड, अब इसमें देखो वर का वर या वॉस नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है, मैं यहाँ वरी मान के चल रही हूँ। क्या वह खाना, क्या तुम खाना पका रहे थे, क्या खाना तुम्हारे द्वारा पकाया जा रहा था, तो ठीक है वॉज या वर। अब यहाँ वॉज या वर कुछ तो लगेगा, देखिए ट्रिक सीखे मानिए। अब ऑब्जेक्ट ले लीजिए, द फूड ऑब्जेक्ट है। अब द फूड क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, तो वॉज द फूड कुक्ड बींग, दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होंगी, ऑब्जेक्ट के बाद लगेगी बची, वॉज द फूड बींग कुक्ड बाय। मैम यहाँ तो वर्ड लग रहा था, यहाँ वॉज कैसे भाई, क्योंकि यहाँ वर्ड यू के अकॉर्डिंग लग रहा था, यहाँ वर्ड द फूड के अकॉर्डिंग लगेगा, मतलब वॉज जो लगेगा। तो चेंज हमेशा देखना है, मैं शुरू से बताती आई हूँ। मोहन वॉज अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, अब हिज सर्वेंट ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ध्यान रखना विच वाला एक्सेप्शनल केस है, रेयर ही होता है। विच नॉवल इज बीइंग रेड बाय, हिज सर्वेंट वॉज बींग, सिंपल है ये तो, एब्यूज्ड मोहन के द्वारा बाय मोहन। नेक्स्ट, इज ही बीटिंग योर सन, क्या वह तुम्हारे सन को पीट रहा है, तुम्हारा सन उसके द्वारा पीटा जा रहा है, तो आप फिर से देखिएगा। अब यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया योर सन, तो योर सन क्या है, तुम्हारा बेटा क्या है, सिंगुलर, यू नहीं है, यू होता तो प्लूरल होता, योर सन एक ही हो गया बस सिंगुलर, तो योर सन। अब इज योर सन, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इज योर सन बीइंग, बचा हुआ पार्ट हेल्पिंग वर्ब का, बीटन बाय, ही का क्या हो जाएगा, ही, अब तक तो आपको लंबी हो चुके होंगे ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इज ही बीटिंग योर सन, इज योर सन बीइंग बीटन बाय, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, आपके प्रेजेंट में से ही पास्ट कंटिन्यूअस हो गए दोनों, आपके थ्री पैसिव वॉइस और बचे हैं परफेक्ट टेंस के, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी पहचान क्या होती थी, एक्टिव पैसिव जो हमने टेंस पढ़े थे, मैं यह काम कर चुकी हूं या हो गया है, ठीक है, मैंने एक एप्पल खा लिया है, तो मेरे द्वारा एक एप्पल खाया जा चुका है, यानी जा चुका है, जा चुके हैं, या फिर खा लिया गया है, तो गया और जाना की साउंड हमेशा पैसिव वॉइस में आएगी, ठीक है, यहां मैंने लिखा भी है इसलिए पहचान के लिए। कैसे, अब अफर्मेटिव देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट हैज थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगता था, अब यहां भी थर्ड फॉर्म लग रही है, यहां भी तो पहचान क्या होगी, यहां पर परफेक्ट में केवल हैज और हैव लगता था, यहां पर हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा, हैज और हैव के बाद बीन, यानी दो पार्ट में इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे कंटिन्यूअस में दो पार्ट में थी, फ्यूचर इंडेफिनिट में दो पार्ट में थी, इसमें भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होगी, हैज बीन से थर्ड फॉर्म बाय को यूज करके सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे हैज बीन तो टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता था, तो कैसे पहचानेंगे, तो आप ये सोचो वहां पर हैज बीन होता था लेकिन साथ में आईएनजी भी तो होता था, मैं दो दिन से ये काम कर रही हूं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, इस तरह से होता था ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, कंफ्यूजन वाला किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हैज बीन थर्ड फॉर्म देखते हैं आप जल्दी से। ही हैज ईटन एन एप्पल, वह एक सेब खा चुका है, एक सेब उसके द्वारा खाया जा चुका है, तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय, आई हैव लॉस्ट माई बुक हैज बीन लॉस्ट, मेरी किताब खो गई है, तो मेरी बुक खो चुकी है, किसके द्वारा, मेरे ही द्वारा, तो यहां पर एड और कर दो बाय मी, माय बुक हैज बीन लॉस्ट बाय मी, यहां पर बाय मी का यूज जरूरी नहीं है, मैंने आपको एडवांस रूल में बताया अभी था कि बाय का यूज कभी कभी हम कहां पर हटा देते हैं, मेरी किताब खो गई ऑब्वियसली मुझसे ही हुई है, ठीक है। नाउ इंटरोगेटिव, हैज एज सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये लगता था, अब इसमें हैज एज लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद बचा हुआ पार्ट बी थर्ड फॉर्म बाय का यूज करके सब्जेक्ट, कैसे, हैज ही ब्रोकन दिस पेन,
क्या उसने यह पेन तोड़ा है? क्या उसके द्वारा यह पेन तोड़ा गया है? फिर से आगे, has this pen been broken by him? डबल में बस क्वेश्चन वर्ड आपका लग जाता था सेंटेंस एज इट इज, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Why have you broken this pen? तुमने ये पेन क्यों तोड़ा है? तुम्हारे द्वारा ये पेन क्यों तोड़ा गया है? तो why has this pen been broken by you? अब देखिए यहाँ पर have लग रहा है क्योंकि ये you के अकॉर्डिंग लग रहा है ना, लेकिन मैं बार बार एक चीज आपको बता रही हूँ, यह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ has लगाएंगे। अब not की बात भी कर लेते हैं। Has he not broken this pen? तो has this pen not been broken by him? ठीक है, subject के बाद not लगता था तो इधर का लगेगा not, object के बाद सब में ऐसे हो जाएगा। Why have you not broken this pen? Why has this pen not been? तो यहाँ भी not इसमें लग जाएगा और यहाँ भी not कहाँ लग जाएगा? इधर। अच्छा अगर negative sentence हो गए, he has not eaten an apple. तो an apple has not, जब भी दो पार्ट में helping verb होती है तो negative में उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। अब तक आपको पता चल गया। I have not lost, my book has not been. ये आपका present perfect. Now past perfect passive voice. Past क्या voice निकलती थी? चलिए देखते हैं। क्या voice निकलती थी? कर चुका था, चुके थे, मैंने यह काम कर लिया था। तो आप कैसे बोलेंगे? मेरे द्वारा काम किया जा चुका था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है चुका था, चुके थे। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव से। सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म बाय का यूज करके सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल लग रहा है लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी है। मैं आपको बताती हूँ, आपको याद होगा ना बिफोर आफ्टर वाले, कुछ भी नहीं है, हम सब कर लेंगे। श्याम हैड स्टोलन माय बुक, श्याम ने मेरी बुक चुराई थी, मेरी बुक श्याम के द्वारा चुराई गई थी। तो माय सॉरी बुक नहीं है, पेन है, ठीक है, बुक नहीं है पेन। तो मेरा पेन, माय पेन हैड बीन, इसमें दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, सेवा हैज बीन होती थी यहाँ केवल, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन आ गया, हैड बीन स्टोलन, स्टील स्टोल, स्टोलन बाय श्याम। इसमें तो थर्ड का थर्ड ही कॉपी कर दोगे, इस पर कुछ चेक करने का ही नहीं है। I have finished my work before you came. अच्छा भैया before after, मेरी tense की वीडियो में जाइए, past perfect tense, मैंने आप before और after को अच्छे से explain करा है। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जब भी दो sentence होते हैं, मेरे आने से पहले या मेरे आने के बाद, इसमें से एक sentence तो आपका past perfect में बनता है और दूसरा sentence आपका past indefinite में बनता है, ठीक है। तो same यहाँ पर होगा, जो passive voice होगा ना वो past indefinite में change होगा, वो सॉरी पास्ट परफेक्ट वाला पैसिव वॉइस बनेगा और पास्ट परफेक्ट का सेकंड पार्ट ऐसी की ऐसी रहेगा। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर आपने टेंसेस पढ़े, इसलिए मैंने बोला था टेंसेस अच्छे से पढ़िए, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आप बिल्कुल पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना वर्क फिनिश कर लिया था, समाप्त कर लिया था। तो अब बस ये आप भूल जाइए, बिफोर वाला एज इट इज लिखना है। कुछ है इसमें, माय वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी बिफोर यू केम, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। अगर मैं इसमें आप नॉट लगा दूं, हैड नॉट, तो श्याम हैड नॉट, इसमें कहां लग जाएगा, हैड नॉट बीन, श्याम हैड नॉट स्टोलन माय पेन हैड नॉट बीन स्टोलन बाय श्याम, I had not finished. एक में नेगेटिव लगाते थे, दोनों में नहीं, याद आया ना? तो my work had not been. My work had not been. तो इंटरोगेटिव में देख लीजिए, सिंगल में had सब्जेक्ट, ये ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद बीन हो गया सब हमारा, यही पढ़ लें। तो had he learned his lesson before he went to school? क्या स्कूल जाने से पहले वह अपना लेसन लर्न कर चुका था, वह अपना पार्ट याद कर चुका था? तो क्या लेसन उसके द्वारा याद कर लिया गया था? ये वाला आप भूल जाइए ना, बिफोर ही वेंट टू स्कूल तो सेम लिखना है। अब यह पास्ट इंडेफिनिट कैसे आया, वेंट, ये सब आप मेरी टेंसेस की वीडियो में जाकर देखिए। जे आप टेंस पढ़ के ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हैड द लेसन, ठीक है, हैड हिज आएगा अगर यहाँ हिज है, हिज, ठीक है, दा होता तो दा होता, हैड हिज लेसन बीन लर्न बाय हिम। आजकल लर्न की जगह हम लर्न लगा, ये बात दोनों ही सही है, लेकिन आजकल लर्न लर्न जो है वो बहुत रेयर होता जा रहा है। लर्न हैड
Had he learned his lesson before he went to school? आजकल आपको learn लिखा हुआ मिलेगा. अब double interrogative भी देख लेते हैं. कुछ भी नहीं है double interrogative में. सिंगल इंटरोगेटिव जैसा रूल लगता है लेकिन आगे क्या लग जाता है बस क्वेश्चन वर्ड. Why had you not cleaned the room before the guest came? मेहमानों के आने से पहले तुमने कमरा साफ क्यों नहीं किया था. इसमें नॉट भी आपको नॉट का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा. तो why had the room, ठीक है, बिफोर द गेस्ट केम भूल जाइए, बस इतना ही करते. जब why had you not cleaned the room हो गया सिंपल. तो why had, इसके बाद ऑब्जेक्ट, द रूम, नॉट, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना, नॉट बी क्लीन बाय यू बिफोर द गेस्ट केम. तो ये हो गए आपके पास. फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंसेस में हम कैसे पहचान होती थी इसकी, मैंने ये काम कर लिया होगा या ये कब की कर लिया होगा, जा चुकी होंगी, ठीक है, इस टाइप से होती थी, चुकी होंगी, चुके होंगे. तो उसमें बस क्या लग जाएगी, जा चुके होंगे, जा चुका होगा, मेरे द्वारा ये काम कर लिया जा चुका होगा, ठीक है, जा चुका होंगे, जा चुका होगा, इस टाइप से लग. तो अफर्मेटिव पर सब्जेक्ट विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी और यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव वी, ठीक है, और बाकी थर्ड फॉर्म आपको पता ही ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो चलिए फटाफट से देखते हैं. शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी होगी, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा. तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर. अब इसमें बिफोर और आफ्टर वाले होते हैं. दे विल हैव बीन रेड दिस बुक बिफोर यू कम, जैसे कि अभी मैंने पास्ट परफेक्ट में आपको करवाई थी. वह यह किताब पढ़ चुके होंगे तुम्हारे आने से पहले, वह किताब पढ़ चुके होंगे. तो मैं बिफोर के बाद नहीं देखना है ना, बिफोर से तो एज इट इज रहेगा. इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं और ये जानने के लिए आप मेरी टेंसेस की वीडियो देखिए. तो हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन रेड बाय देम. और अगर ये नॉट लगाना है तो कहां लगेगा, विल नॉट हैव बीन, और यहां पर भी, यहां पर विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, ठीक है. अच्छा, अब इधर देखिए, इसकी तीन पार्ट पे हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन. ऐसी आप हेल्पिंग वर्ब टेंस में भी पढ़ चुके हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. देखिए इंटरोगेटिव में सिंगल इंटरोगेटिव की बात करते हैं, बिल से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ पार्ट, इसमें विल से स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट के बाद बचे हुई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. देखते हैं, विल शी हैव रेड द नॉवल बिफोर शी गोज टू मार्केट, उसके मार्केट जाने से पहले वह किताब पढ़, नॉवल पढ़ चुकी होगी क्या वह, ठीक है. तो हमें यहां से कोई मतलब नहीं है, ये तो हम टेंसेस का रूल में हम सीख चुके हैं. तो बिफोर आफ्टर के बाद कोई चेंज नहीं, चेंजेस हमेशा पैसिव वॉइस में बिफोर और आफ्टर के पहले वाले सेंटेंस को ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा. तो विल, विल हो गया, इसके बाद इधर सब्जेक्ट आता था, इधर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, विल द नॉवल, तो ये भी आ गया. इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बी, इसके बाद मेन वर्ब रेड, और इसके बाद बाय हर, शी का हर हो जाता है, ठीक है. तो विल द नॉवल हैव बीन रेड बाय हर बिफोर शी गोज टू मार्केट. तो इधर आपके एट टाइप्स के पैसिव वॉइस खत्म होते हैं, ठीक है. आई होप अब आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे. मैंने इस पर सेपरेट वीडियोस भी बना रखी है, डिटेल में जानने के लिए वो भी देख सकते हैं. और जब भी आप एक बार पैसिव वॉइस उन वीडियोस से देख लोगे तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाली वीडियो देखिए, पूरा रिविजन हो जाएगा. इसके अलावा मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैंने बना रखी है पैसिव वॉइस, ठीक है, अलग से वीडियो बना रखी है. एडवांस रूल पर अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें कुछ प्रपोजिशन बदल जाता है, वाई की जगह क्या यूज होता है, क्या यूज नहीं होता. और इसके बाद मैंने मॉडल्स की भी अलग से पैसिव वॉइस बना रखी है, वो आप मेरी वीडियो में जा सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में जाके. तो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए. विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.